15 अगस्त को पूरा देश 78वां आजादी दिवस मनाने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के दिन कई चीजें खास होने वाली हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गुरुवार 15 अगस्त को लगातार 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो लगातार 11 बार लाल किले से भाषण देने वाले देश के तीसरे प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने ये उपलब्धि हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नेहरू के 3 कार्यकाल के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली थी। बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था, तो वहीं जनवरी 1967 से 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने 16 बार देश को संबोधित किया था। इंदिरा गांधी के भाषणों में से 11 लगातार थे और इस बार गुरुवार को जब प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करेंगे तब वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में 10 बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वच्छ भारत और जनधन खातों जैसी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 4000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें किसान, युवा, महिलाएं और निम्न आय वर्ग के लोग शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने इन समूहों को विकसित भारत के 4 स्तंभ के रूप में परिभाषित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सरकार का फोकस ज्ञान पर है, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी 15 अगस्त को ही पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी 117 भारतीय एथलीटों को लाल किले पर होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। खबरों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1 बजे पेरिस ओलंपिक एथलीटों से मुलाकात भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया है कि सभी 117 एथलीट स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर मौजूद रह सकते हैं। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथियों को 11 अलग अलग समूह में बांटा गया है। इनमें से 1000 अतिथि कृषि और किसान कल्याण क्षेत्र से होंगे, युवा वर्ग से 600 अतिथि और महिला एवं बाल विकास से 300 अतिथि शामिल होंगे, तो वहीं पंचायती राज और ग्रामीण विकास से 300 और जनजातीय मामलों से 350 अतिथि भी शामिल होंगे। आपको ये भी बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए इस पावन कार्यक्रम के लिए लगभग 18,000 ई निमंत्रण भेजे गए हैं। सभी विशेष अतिथि 14 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे और उनके दौरे के दौरान कुछ मेहमानों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करने और वरिष्ठ मंत्रियों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।